वृंदावन में बनेगा देश का सबसे बड़ा सिटी फॉरेस्ट। 130 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा सौगरी शहर वन। योगी सरकार की ओर से वृंदावन में देश का सबसे बड़ा शहर वन सिटी फॉरेस्ट बनाया जा रहा है। इसे वृंदावन के ग्राम सुमरक के पास 130 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा सौगरी नगर वन के नाम से विकसित कर रहा है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम स्थानीय जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश, ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और वन विभाग द्वारा सामूहिक रूप से किया जा रहा है। भविष्य में इसी वन में बंदरों को रखने की व्यवस्था होगी। सुनरख, आटस ग्राम और जहांगीरपुर खादर को मिलाकर 130 हेक्टेयर जमीन 10 वर्ष के लिए वन विभाग को दी गई है। यहां वन विभाग द्वारा 76,000 से अधिक पौधे लगाकर वन बनाया जा रहा है। सौगरी नगर वन में दो चरण में काम हो रहा है। यहां प्रथम चरण में क्षेत्रफल 130 हेक्टेयर में 67,875 पौधे वन विभाग ने लगा दिए हैं। इन पौधों में पाखर, पीपल, जामुन, शीशम, आमला, नीम, अर्जुन, बरगद, आम, जामुन आदि के पौधे हैं। उम्मीद है ये अगले साल तक पौधे काफी बड़े हो जाएंगे। इस वन में ब्रज के पौराणिक महत्व के करीब 25 प्रकार के वृक्ष इस वन में लगाए गए हैं। ये शहर वन 3 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्षेत्र वन अधिकारी ब्रजेश सिंह परमार ने बताया कि आने वाले समय में इसे पार्क का रूप भी दिया जाएगा, जिससे यहाँ बच्चों पर श्रद्धालु एवं पर्यटक आकर घूम सकें। यहाँ पर जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए झूले व अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसका कार्य पूर्ण होने के बाद आम लोगों के लिए इस वन को खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही कांटेदार तारों से बाड़बंदी की जाएगी। इसके अलावा चयनित स्थल पर खम्भों पर कांटेदार तार से घेराबंदी करके 4 वॉच टावर भी बनाए जाएंगे, जिनका काम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। बता दें कि सौगरी शहर वन के लिए चयनित परियोजना स्थल के एक ओर कोसी ड्रेन और दूसरी ओर यमुना नदी है। इस बीच का स्थल भगवान श्री कृष्ण की कालीदह दमन लीला और सौगरी ऋषि की तपोस्थली है। इस कारण चयनित क्षेत्र पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप में काफी अहम है। सुंदरख में आज भी सौगरी ऋषि का आश्रम है। विष्णु पुराण, देवी भागवत पुराण एवं श्रीमद भागवत पुराण के नवम स्कंद के 6 अध्याय में सौगरी ऋषि के विषय में वर्णन भी है। इस परियोजना में इको रेस्टोरेशन, स्थानीय पर्यावरण स्थल का विकास होगा, वहीं बंदरों की समस्या से भी निजात मिलेगी। मथुरा वृंदावन में विकसित होने वाला ये सौगरी शहर वन देश का सबसे बड़ा शहर वन होगा। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एबीडी न्यूज़ 24x7।